मेरे चैनल पे 50K होने से आप लोग कहीं दूर भी मम्मी भी तो खाकर बताऊंगी दर्शकों, मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि कुकर में कैसे चने नहीं करते हम, स्टिकी राइस बनाते हैं। ठीक है, पानी कितना देना पड़ता है, पानी का क्वांटिटी कितने होते हैं, तो यहाँ पीछे भी वीडियोस बना रही है मेरे। चलो ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि कुकर में स्टिकी राइस कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम वाला अच्छा अटैम्प्ट किया था, तो क्यों ना मैं भी आप लोगों को शेयर करूँ कैसे अटैम्प्ट करते हैं ना। चलो फिर स्टिकी राइस निकालते हैं। हम स्टिकी राइस खाने वाले 3 लोग, और स्टिकी राइस जो कि बढ़ते नहीं है, जैसा डालते वैसे है। नॉर्मल राइस जो डालते उससे थोड़ा इतना ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने डाला है इसमें इतने सारे, तो ठीक है पानी का क्वांटिटी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना डालना ज़रूरी है। ठीक है, धो लेते हैं हम अपने राइस को। हमें कुकर में ही धोती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं धोती भाई। तो मेरे हिसाब से आप लोग एक बार या दो बार, 3 बार धोए, मैं 2 बार धोऊंगी। ठीक है, तो आप लोग को 3 बार धो लेना, कोई नहीं ये मजाक कर रही हूं, जितना तो मैं धो सकती, इतना नहीं धो रही, वो नहीं धो सकते। तो पानी में आप लोग को डाल के दिखाती हूँ। ये भाई ज़्यादा हो गया, ये पानी ज़्यादा हो गया। पानी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा, बस ये भी शायद ज़्यादा है, बट कोई नहीं, इतना रखेंगे। इतना सा पानी आप लोग सिर्फ इतना सा देना है, इतना सा। ठीक है, नहीं तो गल के ख़त्म हो जाएंगे, खुलास हो जाएंगे, मतलब खाने लायक नहीं बचेंगे। चलो इसको बिठा देते हैं हम अपनी चूल्हे में। तो हम नो बेबी लाइक दिस, बस अभी इसको एक सीटी भजवाएंगे। अगर एक सीटी में लगे कि आपको ये मतलब परफेक्ट बन जाएंगे, तो आप एक सीटी में इसको निकाल लेना है। ठीक है, अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो गया या कुछ हो गया, तो आप एक सीटी मार के थोड़ा और वेट कर लेना, बट 2 सीटी मत मारने दे देना। ठीक है, ठीक है, मैं सिर्फ एक ही सीटी भजवाती हूँ। ज़्यादा सीटी बजने से पीछे डल जाते हैं, या फिर पानी ज़्यादा होने से भूगल जाते हैं, पर पानी ज़्यादा नहीं है शायद, या फिर ज़्यादा पता नहीं। सेकंड टाइम अटैम्प्ट किया मैंने, चलो फिर बाद में देखते हैं कि कैसा आया मेरा स्टिकी राइस। मैं कुकर में बना लूँ, लोग हम लोग का जो स्टिकी राइस बनाने के प्रोसेस जो किया ना, वो डंपलिंग बनाते हैं ना, मोमोज ऐसा टाइप कुछ बनाते हैं। ठीक है, बट वो सब बर्तन हमारे पास नहीं है, तो हम जब भी खाने का मन होता है कुकर में बना देते हैं। चलो मिलते हैं बाद में, जब हमारा स्टिकी राइस बनाएंगे तब मिलेंगे। ठीक है, बाय। हमारा ये बने हैं, बनेंगे हमारा आलू, और थोड़ा सा हमारे पास था क्या, मूली थे, तो मूली और ये क्या है इसका नाम, आलू और मूली मिक्स करके हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि स्टिकी राइस के साथ मुझे ऐसे पसंद है, नहीं तो दाल पसंद है, दाल अभी बनाने का मन नहीं है और टाइम लगता है, दाल डाल देते हैं, ये तो बन जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम ये बना रहे हैं। तो ये मेरी बहन बनाएगी, क्योंकि मुझसे परफेक्ट नहीं बना जाता, ये बहन से अच्छी बनती है, दैट्स व्हाई मैं बहन से बना रही हूँ, और ये वाला बहन को नहीं आता है, इसलिए मैं बना रही हूँ। मैंने बना चराया, चने चराते और हम चराते हैं स्टिकी राइस। चलो मिलते हैं बाद। ये फ्राई किया था, शायद ये ऑब्जर्व नहीं हुआ, मतलब ये ऑयल वगैरह, इसलिए ना वो जो उसका मैंने चिलखा नहीं निकाला था, ये ना ये जो क्या था, मतलब क्या है, ये जो आलू है इसका छिलका नहीं निकालना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चा है ना, छोटा छोटा बच्चा है, ये नया नया निकला है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि तेल कम हो गया और हमारा जो सब्जी का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया है, तो ऑब्जर्व ही नहीं हो रहा ऑयल वाला ज़्यादा है ना, और बर्तन भी छोटा है इस वजह से। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही खा जाएंगे। स्टिकी राइस बनके रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। ये मिक्स है हमारा स्टिकी राइस, जो है ना 2 क्वालिटीज़ होते हैं शायद, एक वाला व्हाइट जो कि बहुत स्मेली, मतलब अच्छा सा स्मेल आता है, और एक है ये, मतलब एक रेड वाला, वो रेड वाला उसको स्मेल आता है बट ज़्यादा नहीं आते, व्हाइट से कम के आते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि व्हाइट और रेड वाला मिक्स है इस वजह से, और मुझे लगता है कि पीछे जल चुके हैं, बट कोई बात नहीं, पोस लिया है, आप देख सकते हो थोड़ा जल गया, वो चलाओ अभी, इधर पे ही है। खाने के बाद ना मुझे चक्कर से आ रही है, पता नहीं क्यों, जब स्टिकी राइस खाती हूँ ना ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊंगी इस जगह पर, ऐसा लगता है थोड़ी, मतलब लो फील हो जाती है, ऐसा लगता है यही सो जाऊँ, बट दीदी हम तो वैसे घर पे, अगर हाँ मैं ब्लॉग बना, आजा 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 देखो मेरे चिल्लर पार्टी है। वो हम मेरी ब्लॉग पर आएंगे अभी। और क्या बोल, सब्सक्राइबर्स है 270, किसी ने सर्च करके नहीं देखा क्या, सर्च करके देखो, जाकर चैनल का नाम मुझे बता, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब का नाम क्या है आज का,
आज चालान यहीं पे कटने वाले हैं। स्कूटर है ही नहीं तो नहीं यहाँ मेरे पास तो कैप है। वही उसका चालान नहीं काटेंगे, सबका चालान कटवाऊंगी मैं। मम्मी छुट्टी कब ले लेंगे? मम्मी आ जाओ, मम्मी आप भी आ जाओ, मम्मी भी आ गए। इसका चैनल ले दीजिए, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो। मैं अभी यहीं पर शपथ लेती हूँ कि अगर मेरे चैनल पे 50K होने से, आप लोग कहीं दूर भी होने से, मैं सर्च कर करके आप लोगों में पार्टी दूंगी, पार्टी। चलो बाय बाय।